नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं पिंटू जायसवाल के साथ जावेद अंसारी। लखन घनघोरिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में देश के गृह मंत्री पर उंगली उठाई। जी हां, लखन घनघोरिया से जब पूछा गया कि प्रदेश के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके घर में छापा पड़ा है, इस बारे में आपका क्या कहना था, उनका साफ तौर से कहना था ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत डांगा पर छापा डाला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी और उनके भतीजी बहू पर जिस तरीके से सीबीआई लगातार परेशान कर रही है, आरोप लगा रही है, आय से अधिक संपत्ति के मामले पर लगातार उन पर तफ्तीश की जा रही है, अगर गृह मंत्री अमित शाह के बेटे की एक साल में कितनी इनकम हुई इस बात की जांच कर ली जाए तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका साफ तौर से कहना था कोरोना काल में अमित शाह के बेटे की संपत्ति जिस तरीके से बढ़ी है इसकी भी जांच होनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं लखन घनघोरिया ने इस बारे में क्या कुछ कहा। राजनीतिक भेद, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है। जैसा पश्चिम बंगाल में चल रहा, ममता बनर्जी की बहू, उनके भतीजे, एक तरफ तो पुलिस यहाँ कार्रवाई करती है, दूसरी तरफ जहाँ कोकीन में कोई पकड़ा जाता है और नाम से स्पष्ट होते तो उनके ऊपर कोई हर आदमी खामोश हो जाता। ज़्यादा बात ना करें, मैं चाहे जी के बेटे का मामला देख लें तो कितनी संपत्ति उनने बनाई, कितने समय पे बनाई, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। और आपको कहीं और नहीं, आपके रीवा में उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो कहाँ कैसी मंत्रा है, कार्रवाई पेशपूर्ण होती है नहीं होती, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं।